सबसे पहले मैं एक चम्मच दूंगी इसमें मैदा। चेहरे के हिसाब से बताऊंगी, बेफिक्र होकर इसको इस्तेमाल करना है। ये वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं हुई इस वजह से मैं जरा जल्दी बनाने की कोशिश करूंगी। अब इसमें मैंने तकरीबन एक चौथाई चम्मच देना है मीठा सोडा। आपको बेकिंग सोडा मीठा सोडा कंफ्यूज करता है, मीठा सोडा खाने वाला। ये देखिए बस उसका कोना ही मैंने लिया है। ठीक हो गया जी। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। इसको मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें जो तीसरी चीज मिलाएंगे वो होगा एक चम्मच लींबू का रस। ठीक हो गया, तीन चीजें होगी। अब इस इन तीनों चीजों को मिक्स कर लेना हमने। और इसमें अब हम एक चीज शामिल करेंगे, कच्चा दूध। अगर आपके पास बॉयल मिल्क हो तब भी आपने परेशान नहीं होना, आपके पास डिब्बे वाला हो तब भी नहीं, अगर ड्राई मिल्क है तब भी नहीं, एक चम्मच भी लेना। आप देखिए ये ब्लीच की तरह फूल गई है, आपने इसकी परेशानी नहीं लेनी। क्योंकि मैं खुद भी इसको इसलिए बना रही हूँ कि मैं अपने चेहरे पर अप्लाई करूँ, जबकि बॉयज के लिए, बट मुझे जो है वो जरूरत थी तो मैं इसको खुद भी अप्लाई करूंगी। ठीक हो गया जी। अब तमाम चीजों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें लास्ट में मिलाएंगे तकरीबन 5 कतरे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। अगर नहीं आप मिलाना चाहते तो आप नहीं मिलाएं, बट ये देखें कि अगर मैं ये सब मिला के आपको अपने हाथ पे भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगी और मैं इसे अपने चेहरे पर भी अप्लाई करूंगी, तो लिहाजा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अल्लाह माफी दे इससे कुछ हो जाएगा, इतने से कुछ नहीं होगा। ठीक हो गया, ये कि स्किन के डेड सेल्स निकल जाएंगे और आपकी स्किन पूरी तौर पर ग्लो करेगी। ठीक हो गया। देखिए जी, तमाम मिक्स कर लेने के बाद ये बिल्कुल ब्लीच क्रीम की तरह तैयार हो गई है। अब इसे आपने अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। बेफिक्र है, अगर ये मेरे चेहरे पर अल्हम्दुलिल्लाह सूट कर सकती है तो ये बॉयज के चेहरे को भी बहुत अच्छे से चमकाएगी। सबसे अच्छी चीज ये है कि बॉयज ब्लीच क्रीम इस्तेमाल करने के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन उनसे उनके बाल गोल्डन हो जाते हैं। ये 100% ब्लीच क्रीम है, लेकिन इससे आपके बाल गोल्डन नहीं होंगे। आप इससे बेफिक्र होकर बॉयज अपने चेहरे पर अप्लाई करिए, किसी भी पर अप्लाई करिए, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ एक ऑप्शन ये है कि अगर आप मैदा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे जरा ब्लीच वाली लुक नहीं आती। ठीक हो गया जी। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे के रिंकल्स यानी झुरियां वो भी खत्म होंगी। ये मैं जब ये ड्राई हो जाएगा आपको दिखाऊंगी, बल्कि आप खुद फील करिए, आपकी स्किन एकदम से टाइट हो जाएगी और वॉश करने के बाद बहुत ब्राइट हो जाएगी। तो इससे आप जो बताएंगे कि इसकी व्हाइटनिंग कितनी देर रहेगी और क्या सूट है सब। अब इसको आपने छोड़ना है 20 मिनट्स के लिए चेहरे के ऊपर, हाथों पे भी लगाए तो 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 20 मिनट के बाद जो है आप देखेंगे इसकी सूट कुछ यूं हो गई है, मेरा चेहरा भी काफी जो है वो ड्राई हो चुका है, टाइट हो चुका है। तो ये देखेंगे ये बिल्कुल एकदम से ड्राई है। अब मैं इसको वॉश करके पहले आपको गीले हाथों का रिजल्ट दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख लीजिए कि मैं अपने हैंड में जस्ट वॉश करके आई हूँ और इसका रिजल्ट आपके सामने है, थोड़ा गौर से देखिएगा। और इसके बाद मैं इसको जो है वो ड्राई कर लूंगी, ड्राई करने के बाद भी आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि गीले हाथों पे तो दिख ही जाता है और कुछ का ये कि खुश्क हाथों पे तो दिख ही जाता है, लिहाजा हम आपको दोनों तरह से दिखा देते हैं। और ये तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं अपने हाथ ड्राई कर लिए हैं, तो ये रिजल्ट एक दफा के इस्तेमाल से आपके सामने है, 100% रिजल्ट इसी को बोलते हैं। आप ये देखिए कि आप इसे 10 दिन अगर रोजाना दोहरा लेते हैं, जस्ट फॉर 10 डेज, तो आपको मेरा ख्याल है 2 माह तक इसको दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप अपनी खूबसूरती को इसी तरह से मेंटेन रखना चाहते हैं कि बाल भी गोल्डन नहीं हो, तो बॉयज इसको आप 1 हफ्ता दोहरा लेने के बाद हर हफ्ते में 1 बार दोहरा लीजिए। और आप इंशाल्लाह ताला मुझे दुआएं देंगे कि बिना किसी साइड इफेक्ट के आपका चेहरा एकदम से ग्लो करेगा, ब्राइट हो जाएगा, सॉफ्ट स्मूथ हो जाएगा। बहुत जबरदस्त टिप है, इसको लाजमी इस्तेमाल करिए और मुझे दुआएं दीजिए। तो बातें हमारी बहुत सारी हो चुकी हैं, वीडियो हमने बहुत बड़ी बना ली है आप लोगों के मना करने के बावजूद, तो फाइनली हमें चलना है अपने आज के लेसन में। आपको ये कहना चाहेंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह जलील करेगा जहाँ इसकी इज्जत की जाती हो, तो अल्लाह उसे ऐसी जगह जलील करेगा जहाँ उसे अल्लाह की मदद की जरूरत हो।
विद्यार्थियों इस सबक से आपने सबक सीख लिया होगा और आप इस पे अमल भी जरूर करेंगे और ऐसे कामों से अल्लाह ताला हमें बचाए रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और साथ में चलते बताते चलो कि पहले हम गर्ल्स की वीडियो में बताते हैं कि इसे बॉयज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब बताते चले कि इसे गर्ल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट सेंसिटिव स्किन वाली इसको बिल्कुल इस्तेमाल मत करें, क्योंकि बॉयज की स्किन लड़कियों की स्किन के मुकाबले में जरा मतलब अच्छी होती है, बेस्ट होती है, उनका ऐसा हमारी तरह कोई मसला नहीं होता जिसकी, ठीक है, वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बॉयज परेशान नहीं होना, 7 दिन रेगुलर कर लीजिए, उसके बाद हर हफ्ते में एक बार दोहरा लीजिए और चमक लीजिए। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती